हेलो दोस्तों, आज हम लोग कुछ इस प्रकार के फ़ोटो एडिटिंग करने वाले हैं और हम लोग यहाँ तीन टाइप के फ़ोटो को एडिट करेंगे, जिनमें से हमारा पहला आता है ग्लोइंग टेक्स्ट फोटो इफेक्ट। इसके लिए मैंने पिक्सआर्ट को ओपन करके वाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ मैं इस इमेज की रेशियो को पोर्ट्रेट रख देता हूँ। देन इफेक्ट में जा करके इनकी कलर को नेगेटिव सिलेक्ट करते हैं। देन टेक्स्ट, और यहाँ आप जो भी बैकग्राउंड में टेक्स्ट लिखना चाहते हो उसको यहाँ पे टाइप करो। और यहाँ इनकी कलर को ब्लैक कर लेना है और यहाँ पे जाना है स्ट्रोक, और आप इसकी अमाउंट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और कलर आपको जो पसंद आए उसको सेलेक्ट कर लो। अब आना है इनकी इफेक्ट्स में और यहाँ आना है ब्लर, यानी इस ब्लर की ब्लेंडिंग को करना है स्क्रीन, और यहाँ अपने आप ग्लोइंग इफेक्ट आ जाएगा। अब उस फोटो को ऐड करो जिसे आप एडिट करना चाहते हो और इसकी बैकग्राउंड को करना है कटआउट, और यहाँ पे पर्सन को सेलेक्ट करके ये ऑटोमेटिकली कटआउट हो जाएगा। अब आना है इनकी इफेक्ट्स में कलर, देन कलराइज, और मैंने इनकी ब्लेंडिंग को लाइटन रखा है। और अब हमारा अगला फोटो है 3D बैनर, और मैंने पिक्सआर्ट में एक फोटो को भी सिलेक्ट कर लिया है। अब इस फोटो के इफेक्ट्स में आना है कलर, देन नेगेटिव, एंड फिर से इफेक्ट ब्लैक एंड वाइट, और यहाँ पे सेलेक्ट करना है सिल्वर 2। फाइनली हमारा बैकग्राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब उस फोटो को ऐड करना है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। इस फोटो की एडजस्टमेंट में से मैं इसकी सैचुरेशन को कम कर देता हूँ। इतना होने के बाद अब आना है स्टिकर पे, और यहाँ पे टाइप करना है पेपर टोन, और आपको कुछ इस प्रकार के पेपर मिल जाएंगे और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस स्टिकर की मैं शेडो इफेक्ट ऐड कर रहा हूँ और इसको कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेते हैं, और इसका डुप्लीकेट बनाना है। देन इस डुप्लीकेट को राइट साइड में रख देना है कुछ इस प्रकार से। अब इस फोटो लेयर पे क्लिक करना है, देन इरेजर, और इस बाकी साइड को हम लोग इरेज कर देंगे। इरेजिंग कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर डालते हैं टेक्स्ट। इसके लिए टेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन आप जो चाहते हो उसको यहाँ पे टाइप करो, और इस स्पेसिंग टूल से इनकी लेटर्स को फैला देते हैं कुछ इस प्रकार से। अब इस टेक्स्ट लेयर को मूव डाउन करके इस फोटो लेयर के पीछे ले जाना है कुछ इस प्रकार से। देन इसका डुप्लीकेट बनाना है, और इस डुप्लीकेट की कलर को करेंगे ब्लैक, और इस दूसरे लेयर को पहली वाले लेयर के ऊपर इस प्रकार से सेट करेंगे। अब आना है इनके स्ट्रोक पे, और अमाउंट भी आप एडजस्ट कर सकते हो। देन इसकी ब्लेंडिंग को करना है स्क्रीन। नो स्ट्रेंजर टू पेन, इट्स नेवर एंडिंग, इट्स ओनली। Something I
can't forgive. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I complacently betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling me around it. I need to fight, I know. It's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. अब करना है इस पे मास्किंग, इसके लिए आना है सेप मास्क, और यहाँ किसी भी पैटर्न को सिलेक्ट करने के बाद इनको करना है इन्वर्ट। अब हमारा फाइनल फोटो है जिसे हम लोग एडिट करेंगे, नियॉन ग्लोइंग फोटो इफेक्ट। हर बार की तरह मैंने इस बार भी प्रीसेट में फोटो को ऐड कर लिया है। आना है इसके इफेक्ट्स में और यहाँ पे इनकी कलर को नेगेटिव कर देना है। अगेन आना है इनके इफेक्ट्स में, ब्लैक एंड वाइट, देन सिल्वर टू। अब उस फोटो को यहाँ पे ऐड करो जिसे आप एडिट करना चाहते हैं, और कटआउट से इनकी बैकग्राउंड को कटआउट कर लो। अब आते हैं इनके एडजस्टमेंट पर, और यहाँ पे कुछ बेसिक एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब इरेजर की सहायता से इनकी साइड साइड में व्हाइट कलर को इरेज कर देना है कुछ इस प्रकार से। अब आना है इनके ड्रॉ टूल पे, और यहाँ पे वाइट कलर को सिलेक्ट करने के बाद शेप, और यहाँ पे ट्रायंगल को सिलेक्ट कर लेना है। इनमें ट्रिंगल शेप लगाने के बाद अगेन आ जाना है ड्रॉ टूल पे, और यहाँ पे कलर को पिक करेंगे जहाँ पे मैंने ब्लू को सिलेक्ट कर लिया है, और इसकी जो ब्लेंडिंग है इसको करना है ऐड। और ब्रश की सेटिंग में आपको इनकी हार्डनेस को जीरो कर देना है, और बाकी की सेटिंग को आप देख सकते हो। देन क्लिक जूम इन एबिलिटी, और यहाँ पे ड्रॉ। Light me up with a bright smile on now. Put me in the dark, don't want get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and found love feeling. Then nothing got it feel like a sweet night. Now I'm waiting for you, but don't hurry. Look into my eyes, together feel so high. To make up with your
shooting star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only, you know. Want to be with you, call my name like, ooh, somebody else, and that is you. Ooh, falling in with you, not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and fell off. ग्लोइंग इफेक्ट लगने के बाद अब आना इनके इफेक्ट्स में, देन कलर और कलर आइज, और इसकी जो ब्लेंडिंग है इसको मैंने मल्टीप्लाई रखा है, और फेड आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब इनके एडजस्टमेंट में आकर के इनकी सेचुरेशन को थोड़ी बढ़ा देंगे और इनकी टेम्परेचर को माइनस, और आप माइनस तभी करना जब आपका ब्लू कलर का ग्लो इफेक्ट रहे तब। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के फ़ोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल, इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा आपको कौन सा लगा नीचे कमेंट ज़रूर करना। और अगली वीडियो वीडियो एडिटिंग पे होने वाली है, अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो